हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हाँ, ओके। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चैप्टर वैसे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बट एक दो चीजें हैं जो हम बता देते हैं। जैसे ब्रिज बॉन्डिंग है या बनाना बॉन्ड है, ठीक है? तो पहले वही ले लेते हैं, ब्रिज बॉन्डिंग या बनाना बॉन्ड। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ब्रिज बॉन्डिंग। तो देखो क्या होता है, बीएचसी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। कराएंगे सुमित, बैक बॉन्डिंग में हम कराएंगे, टेंशन ना लो। तो ब्रिज बॉन्डिंग, पहले ब्रिज बॉन्डिंग करेंगे, इसके बाद बैक बॉन्डिंग पर चलते हैं। तो देखो क्या है, हमारे पास बीएचसी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? इसका जो डाइमर है, इसका डाइमर मतलब B2H6, ठीक है? ये एग्जिस्ट करता है। ये क्या हो गया, इसका डाइमर हो, ठीक है? तो बीएचसी जो है वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हर्षिल, वन रोल फोर्स का एग्जाम्पल लास्ट लेक्चर में बताया तो था यार, लास्ट लेक्चर एंड में वन रोल फोर्स ही बताए थे वो। यस निजल, दिस इज फर्स्ट पेज। हमारे पास H2, जैसे हमने एग्जांपल लिए थे हीलियम, हीलियम का एग्जांपल लिया था, नियोन का लिया था। तो यहाँ पर क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, क्योंकि वन डर फोर्स बढ़ रहा था या मोलार मास बढ़ रहा था। ओके, इट इज इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, दो मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है। तो हीलियम के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो वन रोल फोर्स होगा। ओके, सो BH3 जो एग्जिस्ट नहीं करता, B2H6 एग्जिस्ट करता है, उसका डाइमर। तो देखो कैसा होता है इसमें, तो ये हमारे पास बोरोन है, बोरोन में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, 2s2 2p। ठीक है, अब यहाँ पर बोरोन जो है एक्साइट स्टेट में जब जाता है तो क्या हो जाता है, यस हर्षिल, तो कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच में हर्षिल वन रोल फोर्स होगा ही। ओके, दो मॉलिक्यूल के बीच में वन रोल फोर्स होगा ही, और मेनली आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, ठीक है? आयनिक, सॉरी, कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनमें दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, वन रोल फोर्स होता है। तो हाँ, सो जब एक्साइट स्टेट में जाएगा तो हमारे पास कॉन्फिगरेशन कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, सो ये 2s, ये 2p। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, B2s6 जो है इसमें एक वेकेंट ऑर्बिट, बट B2s6 में याद रखना वेकेंट ऑर्बिटल जो है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ओके, B2s6 जो है इसमें वेकेंट ऑर्बिटल भी क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, देखो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। ओके, एक s का और 3 p के ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp3 आएगा। इसके अलावा हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का ऑब्वियसली एस ऑर्बिटल आने वाला है ओवरलैपिंग के लिए, ठीक है? तो पहले ये लिखो, फिर बताते हैं कि कैसे B2S6 बन रहा है। यस, दिस इज फर्स्ट पेज। यस, डाइमर B2S6 जो है वो BH3 का क्या है, डाइमर।
हाउ एसपी थ्री केम, एक एस और तीन पी के ऑर्बिटल ना भाई, हमें एक एस का और तीन पी के ऑर्बिटल जो है वो मिक्स होंगे तो एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन आएगा। यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। वैभव वंडरवॉल फोर्स में इंस्टेंटेनियस चार्ज क्या होता है? यार वैभव हमारे पास जैसे ये आयन, सॉरी ये कोई एटम, ठीक है, तो इसमें एकदम से चार्ज आ जाता है, एक साइड में नेगेटिव आ गया और एक साइड में पॉजिटिव आ गया, ठीक है। इसी टाइप से दूसरा एटम रहेगा उसमें भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है, तो आपस में फिर क्या ये अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो ये वाला और ये वाले में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, दैट अट्रैक्शन इज वन रोल फोर्स। ओम चैप्टर हो गया है, वो तो आज हम थोड़ा सा एक जो कॉन्सेप्ट है वो बता रहे हैं, अदरवाइज चैप्टर हो गया, लास्ट लेक्चर उन्होंने फुल बुकलेट दे दिया था। वेदांत जनरली वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये एक तरह से एक्सेप्शन हो गया, ये एक एग्जांपल है जिसको याद रखना है, ठीक है। जनरली वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करता। व्हाट इज डाइमर? BF3 मोनोमर है, अगर दो BF3 आके एक कुछ बना लिया तो वो डाइमर हो गया, ओके अगर तीन BF3 कुछ बनाएंगे तो ट्राइमर हो जाएगा, मतलब अगर हमारे पास ये बन रहा है B3S9 बन रहा है तो ये ट्राइमर हो गया, अगर हमारे पास B4S12 बन रहा है तो टेट्रामर हो गया, अगर हमारे पास BF3 के बहुत सारे आ गए N आ गए तो वो पॉलीमर हो गया, ओके। यस मेन स्टूडेंट के लिए चैप्टर और हो गया। यस सुमित, हो गया सबका? ठीक है, नाउ अब देखो बोरोन में हमारे पास तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, लेकिन हमारे पास दो बोरोन होंगे, कितने बोरोन होंगे, दो, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सिक्स हाइड्रोजन होंगे, तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं बोरोन के, एक बोरोन के इस टाइप से चार हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, इनमें से तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमें पता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो क्या है, खाली, है ना। इसी टाइप से दूसरा बोरोन है जिसके पास चार हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसमें भी ऐसा ही है, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ना, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली है, तो इन दोनों बोरोन के दो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, ठीक है, ये दूसरा बोरोन आ गया, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गए और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल इस टाइप से ओवरलैप करेंगे, ओके okay, ये दूसरा बोरोन हो गया, तो इसमें तीन इलेक्ट्रॉन है चार हाइब्रिड ऑर्बिटल में। अब देखो ओवरलैप जो करेंगे वो कैसे करेंगे कि यार लेफ्ट साइड वाले का जो फील्ड वाला ऑर्बिटल है ना वो राइट साइड वाले के एम्प्टी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे, इसी टाइप से राइट साइड वाले का जो फील्ड वाला ऑर्बिटल होगा वो लेफ्ट साइड वाले के एम्प्टी, ठीक है, तो इस टाइप से इनकी ओवरलैप। अब हमारे पास क्या आएगा,
अब हमारे पास सिक्स हाइड्रोजन आएंगे, और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा, हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है, एस ऑर्बिटल आ रहा है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ये हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल आ रहा है, तो सिक्स हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल आए। तो ये हमारे पास बन गया B2S। तो यहां पर देखो क्या होता है, बोरोन इस टाइप से दो बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन साथ, सिमिलरली बीच में ऐसे दो बॉन्ड बनाया, तो यहां पर क्या है, ये जो हमारे पास ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, देखो कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन है, और कितने एटम है यहाँ पर, तीन एटम, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, ऐसे तीन एटम के बीच में जनरली चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो ब्रिज बॉन्ड आया है, ये वाला जो ब्रिज बॉन्ड है, इसको हम बनाना बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड, या फिर थ्री सेंटर, तीन सेंटर है, देखो वन टू एंड थ्री, तीन सेंटर है, तीन न्यूक्लियस है, और उनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ओके, ये जो ब्रिज बॉन्ड है इसको क्या बोलते हैं, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ओके, ये जो ब्रिज बॉन्ड है इसको बनाना बॉन्ड या थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोला जाता है, ओके। सो इट इज B2S6, और ये जो है, ये स्ट्रक्चर जो है एक प्लेन में नहीं है, याद रख, ठीक है, ये चार बॉन्ड जो है, लेफ्ट साइड वाले और राइट साइड वाले, चार बॉन्ड जो है एक प्लेन में, लेकिन ब्रिज के जो बॉन्ड है वो साइड वाले बॉन्ड से परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जो साइड वाले बॉन्ड है इनको हम टर्मिनल बॉन्ड बोल सकते हैं, ठीक है, और बीच में ब्रिज बॉन्ड है, तो ये वाले जो बॉन्ड है ये कौन से है, टर्मिनल बॉन्ड। ओके, और ऑब्वियसली ब्रिज वाले तो ब्रिज बॉन्ड हो गए, तो टर्मिनल बॉन्ड का प्लेन एंड ब्रिज बॉन्ड का प्लेन जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ओके, मतलब ये चार बॉन्ड जो है ये एक प्लेन में, और ये जो ब्रिज बॉन्ड है ये परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर प्लेन, ओके, सो ये नॉन पोल प्लेनार स्ट्रक्चर है, ठीक है, इट इज नॉन प्लेनार स्ट्रक्चर। ठीक है, लिखो फिर आगे चलते हैं। तो ये जो B2S6 का जो बॉन्ड बना है इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं, या फिर तीन सेंटर हैं, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, और उनमें दो ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी इसको हम बोल देते हैं। Yes, ये देखो हर ब्रिज बॉन्ड बनाना बॉन्ड है ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है, बट थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला जो ब्रिज बॉन्ड है वो बनाना बॉन्ड, ओके, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन वाला जो बॉन्ड होगा वो बनाना बॉन्ड होगा, लिया सबने।
थ्री सी टू ई बॉन्ड, थ्री सी मतलब थ्री सेंटर एंड टू ई मतलब टू इलेक्ट्रॉन, ओके, सो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, लिख लिया सबने। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया ब्रिज बॉन्ड, बनाना बॉन्ड वाला। तो जैसे हमने बोला कि स्ट्रक्चर जो है नॉन प्लेन आ रहा है, तो क्या बताया था हमने कि जो ब्रिज बॉन्ड है उसका प्लेन और टर्मिनल बॉन्ड का प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो लिख लो, तो ब्रिज बॉन्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर ठीक है, ब्रिज बॉन्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू टर्मिनल बॉन्ड प्लेन। ठीक है, तो जो ब्रिज बॉन्ड होगा वो टर्मिनल बॉन्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसके अलावा बॉन्ड लेंथ की यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, सो जो ब्रिज बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है यहाँ पर इस केस में वो बड़ा होता है और टर्मिनल बॉन्ड का छोटा होता है। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ ब्रिज बॉन्ड इज ग्रेटर देन टर्मिनल बॉन्ड। क्लियर है, तो ये याद रख लेना। इसके अलावा अदर एग्जांपल अगर हम देखेंगे ब्रिज के थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के, तो अदर एग्जांपल ऑफ थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आर Be2H4, ठीक है, Be2H4 जो है उसमें भी ऐसा ही होता है, एंड Al2H6, इसके अलावा Al2CH3O6, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ और एग्जांपल है जिनमें क्या है थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। जैसे मान लो B2H4 की बात करें, सो B2H4 जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, B2H4 कुछ ऐसा रहेगा। तो ये जो है B2H4 यहाँ पर थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आता है। इसके अलावा यहाँ पर B जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ओके, बी का हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पर sp2 है। इसके अलावा ये प्लेनर, ओके, ये वाला जो है ये क्या रहता है b2h4 प्लेनर। लिख लो फिर आगे चलते हैं। तो b2h4 जो है उसमें भी बनाना बॉन्डिंग ही होती है।
ठीक है, बनाना बॉन्डिंग किस में होती है? B2S6 में होती है, B2S4 में होती है, Al2S6 में होती है, Al2CS3O6 वगैरह में होती है। और बनाना बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? 3 center 2 electron bond। हो गया सबका? अरे हर्षिल, BS3 को कैंसिल नहीं किया था हमने, बोला था कि BS3 जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, B2S6 करता है, उसका डाइमर एग्जिस्ट करता है। BS3 एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका डाइमर करता है B2S6। ओके आगे चले नाउ। तो ये हमने एग्जांपल देखे 3 center 2 electron bond के। नाउ अब हमारे पास ब्रिज बॉन्ड जो है 3 center 4 electron bond भी होता है। दो टाइप के ब्रिज बॉन्ड है, एक 3 center 2 electron जो कि बनाना बॉन्ड है, और दूसरा है 3 center 4 electron। जैसे देखो B2Cl4 की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है, बी जो है ये सीएल से बॉन्ड बनाया, ठीक है, एंड सिमिलरली दूसरा भी सीएल से बॉन्ड बनाया। अब यहां पर देखो सीएल जो है ना, उसके पास क्या है, लोन पेयर। सीएल के पास क्या है, लोन पेयर है, और बी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल, और सीएल के पास क्या है, लोन पेयर है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सीएल है अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है इस टाइप से क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है
बी के साथ, ठीक है। एक लोन पेयर जो है बी सी एल जो अपना बी के साथ क्या कर सकता है, ऐसे शेयर कर सकता है। तो इस टाइप से ये जो बॉन्ड बन जाता है ये क्या होता है, ये भी ब्रिज बॉन्ड होता है, बट एक ब्रिज बॉन्ड में चार इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस ब्रिज बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, चार। ओके सो तुम ध्यान से देख सकते हो कि यार यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन, कैसे, ये बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, दिस इज फ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ओके। इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और ये बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड मतलब थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पर बी का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, बी देखो चार तीन बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो तीन बॉन्ड बना रहा है और बी के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है बी का क्या होगा, एसपी टू, ओके। सो बी टू सी एल फोर में बी का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो एसपी टू है। यस अर्सिल, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब एक के पास लोन पेयर और दूसरे के पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, नाउ इसी टाइप से हमारे पास और भी एग्जांपल है, जैसे AL टू CL6 अगर हम लेंगे तो OBC कैटेगरी में आएगा, ठीक है। सो अदर एग्जांपल, ऑफ थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आर AL to CL6, AL to BR6, AL to I6, इसके अलावा I to CL6, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल हो गए, जैसे मान लो हम AL to CL6 की बात करें तो उसमें भी ऐसा ही है, हमारे पास एक AL है एंड इस टाइप से वो तीन CL से बॉन्ड बना रहा है। सिमिलरली दूसरा AL जो है वो भी ऐसे तीन CL से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है, CL के पास क्या है, लोन पेयर है, ओके। CL के पास क्या है, लोन पेयर है, तो CL क्या कर सकता है, अपना लोन पेयर जो है AL के साथ क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। तो इस टाइप से क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली इस टाइप से हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आएगा और उसकी वजह से जो ब्रिज है बॉन्ड है उसमें चार इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इट इज थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। इसके अलावा ये वाली जो है ये नॉन प्लेनार होगी, AL टू CL6 क्या होगी, नॉन प्लेनार, क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पर sp3, ठीक है। यहाँ पर AL का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है, क्यों sp3 यार, क्योंकि चार बॉन्ड बना रहा है AL, ओके, जीरो लोन पे रहे AL के पास और चार बॉन्ड बना रहे, तो ये क्या है, नॉन प्लेनार। अच्छा, आई टू सी एल सिक्स का लेकिन उल्टा है, ये तीनों में हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है और नॉन प्लेनार है, लेकिन आई टू सी एल सिक्स जो है, आई टू सी एल सिक्स में हमारे पास आयोडीन के पास वैसे ही सेम बॉन्ड बनेगा, CL जो अपना क्या करेगा, लोन पेयर जो है शेयर करेगा, ठीक है। तो ये तीनों जो है एक्चुअली स्टार्टिंग के तीनों जो है नॉन प्लेनार है, लेकिन लास्ट वाला जो है ये प्लेनार, लास्ट वाला जो है वो क्या होगा, प्लेनार होगा। आयोडीन यहाँ पर तीन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा जैसे पहले बना रहा है, लेकिन एक और बॉन्ड बन जाएगा ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो आयोडीन के चार बॉन्ड आएंगे आई टू सी एल सिक्स में, जैसे ए एल टू सी एल सिक्स में आ रहा है, ठीक है। सो आयोडीन के चार बॉन्ड आएंगे और दो यहाँ पर लोन पेयर होंगे, चार बॉन्ड और दो लोन पेयर, तो क्या हो गया, सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल ना, सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब sp3 d2, ओके। एंड sp3 d2 में अगर दो लोन पेयर आ जाती हैं तो एक दूसरे के अपोजिट होती है, याद है ऑक्टाहेड्रल में अगर दो लोन पेयर आ जाते थे तो एक दूसरे के अपोजिट होते थे, और उसकी वजह से क्या आता था, प्लेनार आता था ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेम वैसा ही होगा यार, और कैसा होगा, चलो बस लिखा देते इसको भी,
पहले लिख लो ये, फिर उसका भी बता दे। ठीक है, तो स्टार्टिंग के तीन जो है Al2Cl6, Al2Br6, Al2I6, वो सेम ऐसे ही होंगे जैसे Al2Cl6। तो ये जो है ये 3 center 4 electron वाले। हो गया सबका? नो दिशा, इट इज जस्ट 3 center 4 electron बोर्ड। यस हर्षिल, ऐसा बोल सकते, मतलब जो 3 center 2 electron बॉन्ड है उसमें क्या जो ब्रिज बॉन्ड वाला है ना, ब्रिज के ऊपर जो है उसके पास लोन पेयर नहीं। 3 center 2 electron बॉन्ड में या बनाना बॉन्ड में जो ब्रिज के ऊपर उसके पास लोन पेयर नहीं होता है, लेकिन 3 center 4 electron बॉन्ड में ब्रिज के ऊपर जो है उसके पास क्या होता है, लोन पेयर। ठीक है, सो जनरली अगर ब्रिज पे हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली वो बनाना बॉन्ड होगा। चले आगे, लिख लिया सबने? ठीक है, सो नाउ I2Cl6 का बता देते हैं। तो I2Cl6 जो है इसका स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होता है। ये हमारे पास I2Cl6 है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है, और आयोडीन जो है इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। तो क्या हो सकता है, यहाँ पर सीएल जो है अपना लोन पेयर जो डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये ब्रिज बॉन्ड बन जाएगा।
ठीक है, सो ये हमारे पास ब्रिज बॉन्ड बन गया। अच्छा यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आयोडीन के पास एक्चुअली कितने इलेक्ट्रॉन थे यार, आयोडीन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से 3 बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, तो एक्चुअली हर आयोडीन के पास लोन पेयर है अभी, ठीक है। I2Cl6 में थोड़ा अलग एग्जाम्पल हो गया, बाकी में क्या जो सेंट्रल एटम था ना उसके पास लोन पेयर नहीं थी, बट यहाँ पर आयोडीन के पास लोन पेयर भी है, क्योंकि आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से 3 बॉन्ड बना लिए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं और 4 सिग्मा बॉन्ड है, दैट्स व्हाई हाइब्रिडाइजेशन इज, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आयोडीन का sp3d2, ओके। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप आती, ज्योमेट्री आती थी ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल में अगर 2 लोन पेयर है तो क्या होता था, याद है, वो एक दूसरे के अपोजिट होते, ओके, क्या होते थे, एक दूसरे के अपोजिट, एंड दैट्स व्हाई हमारे पास प्लेनर शेप आता था, याद है, XEF4 कैसा था, प्लेनर था ना, ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पर होगा, तो I2Cl6 जो है वो कौन सा होगा, वो प्लेनर शेप का होगा, ओके, I2Cl6 क्या होगा, प्लेनर होगा। तो ये हमारे पास हो गया ब्रिज बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये लिखो, फिर हम चलेंगे बैक बॉन्डिंग पर। उतना ही नीचे से ऊपर की साइड होगा, ठीक है। सो अपने पास क्या है, जो आई के साथ 4 सीएल बॉन्ड बन रहे हो, एक ही प्लेन में रहे, ठीक है, वो ना तो लोन पेयर से बॉन्ड मतलब दूर जाएंगे, ना हम ऐसा बोल सकते हैं कि बॉन्ड जो है लोन पेयर के पास में आएंगे, क्योंकि दोनों साइड से रिपेल करेंगे लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है ये चारों बॉन्ड को रिपेल करेगा, ये चारों बॉन्ड एक प्लेन में है, और लोन पेयर को तुम बोल सकते हो एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, ठीक है, तो चारों बॉन्ड को लोन पेयर ऊपर से भी रिपेल करेगा और नीचे से भी लोन पेयर एक बॉन्ड को क्या करेगा, रिपेल करेगा, XEF4 का स्ट्रक्चर याद है, वैसा ही है ऑलमोस्ट, यस साहिल, मेन मेन के सिलेबस ये सब नहीं है, यस अर्शिल, जैसा मैंने बताया ये सब जो है हमने ब्रिज बॉन्डिंग या बनाना बॉन्डिंग जो कर रहे हैं ये एडवांस में ही पूछा जाता है, मेंस में नहीं पूछा जाता, तो मेंस वाले अटेंड करना चाहे तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट एडवांस वाले तो करेंगे, उनके लिए तो है ये। हो गया सबका, ठीक है, सो आज का लेक्चर का जो हम करा रहे हैं वो सब एडवांस के लिए है, मेनली मेंस के लिए नहीं,
हो गया सबका? ऐसा चार बॉन्ड और दो लोन पेयर क्या हो गया? आयोडीन के पास चार लोन पेयर हैं, सॉरी चार बॉन्ड हैं, आयोडीन चार बॉन्ड बना रहा है और दो लोन पेयर, तो कितना हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल? सिक्स हो गया ना, और सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ऑब्वियसली हर्षिल यार, सीएल अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, तो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ना भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। नाउ नेक्स्ट स्ट्रिंग डालो, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेंगे, वहां से ही तुम्हें और क्लियर होगा। ठीक है, बैक बॉन्डिंग को हम एक क्वेश्चन से तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, जो तुम कल एग्जाम में आया था वही क्वेश्चन है, CH3 एक्चुअली उसमें आई थिंक ऑप्शन मैच नहीं होंगे, ठीक है, रॉन्ग ऑप्शन दिए हुए थे शायद। तो CH3N इज CH3N एंड SiH3 होल थ्राइस पी आर पिरामिडल वाइल एन इज प्लेन आर एक्स प्लेन वाई। ठीक है, तो ये था हमारे पास। ओके, तो कल जो क्वेश्चन आया वो ऐसा है कि PS3 होल थ्राइस N एंड SiH3 होल थ्राइस P जो है, दो जो है पिरामिडल होते हैं एंड SiH3 होल थ्राइस N जो है वो, ठीक है, इसका रीजन क्या है? बैक बॉन्डिंग। तो उसमें कोई ऐसा ऑप्शन दिया नहीं था, तो मैंने कल बताया नहीं ग्रुप में, बट ऐसा था कि वहां पर कोई मतलब कोई भी ऑप्शन मैच हो नहीं रहा था। हाँ सुमित, मे बी मैंने चेक नहीं किया रहते, हो सकता है, और तुम जैसे बोल रहे हो बी और सी ऑप्शन सेम थे, तो उनमें से कोई एक ऑप्शन इससे रिलेटेड हो। ठीक है, सो देखो क्या है यहाँ पर, क्या होता है बैक बॉन्डिंग। ओके, सो बैक बॉन्डिंग एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास पाई बॉन्डिंग है, और पाई बॉन्डिंग कैसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली पाई बॉन्डिंग है। देखो दो एटम के बीच में हमारे पास एक ही सिग्मा बॉन्ड आएगा, बाकी जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, पाई। ठीक है, सो बैक बॉन्डिंग इज, चलो पहले वैसे एक्सप्लेन कर देते हैं फिर हम तुम्हें लिखवा देंगे कि बैक बॉन्डिंग क्या है। तो देखो क्या है, नाइट्रोजन जो है ना, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या है, अपने लोन पेयर जो है, यस सुमेध वही मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रक्चर, तीनों का स्ट्रक्चर बोल रहा था ना, तो स्ट्रक्चर अभी हमने बता दिया, ये स्ट्रक्चर, बट मैचिंग स्ट्रक्चर वाला कोई ऑप्शन था। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ये इस टाइप से बॉन्ड बनाया। ठीक है, एक ये हो गया, तो यहाँ पर एक
लोन पेयर दो सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है इधर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद वन लोन पेयर इज पिरामिडल, ऑब्वियसली शेप वाइज। सिमिलरली फॉस्फोरस में भी ऐसा ही है, फॉस्फोरस में भी एक लोन पेयर है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है, एक एक लोन पेयर है एंड दो सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो एक सॉरी तीन सिग्मा बॉन्ड है, तो एक लोन पेयर तीन सिग्मा बॉन्ड, तो क्या हुआ sp3 हुआ, ठीक है। ऐसा ही sp3 होल साइज n में भी ऐसा ही है, बट उसमें थोड़ी चीज डिफरेंट हुई है, वो बताते हैं क्या डिफरेंट हुआ। पहले लो दोनों लिखो, ठीक है। सो ये दोनों में क्या हुआ, एक लोन पेयर दो और एक लोन पेयर और तीन सिग्मा बॉन्ड, दैट्स व्हाई ये क्या है, दैट्स व्हाई दे आर ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। इसलिए हेलो आवाज आ रहा है, ओके। सो एक्चुअली वाईफाई चला गया था, या सो फिर से क्वेश्चन लिखवाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये था कि CH3 होल थ्राइस एन and SiS3 whole thrice P are pyramidal, and while SiS3 whole thrice N is planar, एक्सप्लेन वाई। ठीक है, तो देखो क्या है, अपने पास ये हो गया एन CH3 होल थ्राइस, एक लोन पेयर तीन सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली ये हो गया पी
SIS3 होल थ्राइस तो इन दोनों के केस में क्या है एक सिग्मा बॉन्ड सॉरी एक लोन पेयर एंड तीन सिग्मा बॉन्ड है ठीक है दोनों की दोनों जो है sp3 हाइब्रिडाइज है क्योंकि एक लोन पेयर और तीन सिग्मा बॉन्ड है तो ये क्या हो गए ट्रायगोनल पिरामिड ओके दोनों जो है क्या हो गए ट्रायगोनल पिरामिड नाउ ये जो है ये देखो इसमें क्या इसमें होता है बैक पॉइंट नो समेत तीनों पिरामिडल नहीं आएंगे लास्ट वाले में जो है वो क्या होगा बैक पॉइंट नहीं होगा तो इसमें एक लोन पेयर है ठीक है लेकिन ये जो लोन पेयर है ये क्या करता है देखो देखो सिलिकॉन जो है उसके पास डी ऑर्बिटल खाली है सिलिकॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है थर्ड पीरियड एलिमेंट है और वहां पर थर्ड पीरियड एलिमेंट है तो उसके पास ऑब्वियसली डी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है ठीक है सो क्या है नाइट्रोजन जो है वो इस SI के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है एंड ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ऑब्वियसली एक्स्ट्रा बॉन्ड होगा मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई बॉन्ड वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा ठीक है सो लोन पेयर जो है वो एक्चुअली क्या कर सकता है नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जो है सिलिकॉन के साथ क्या कर सकता है शेयर कर सकता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है तो अभी अगर हम देखेंगे तो यहां पर जीरो लोन पेयर है एंड तीन सिग्मा बॉन्ड हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया यार sp2 आ गया दैट इज प्लेनर क्लियर है यार ठीक है जीरो लोन पेयर तीन सिग्मा बॉन्ड मीन्स क्या हो गया ये हो गया हमारे पास प्लेनर ओके तो यहां पर क्या हुआ है जो लोन पेयर थी ना वो लोन पेयर नाइट्रोजन की क्या काम आ गई है बॉन्ड बनाने के काम आ गई है ओके हमारे पास लोन पेयर थी वो लोन पेयर ने क्या कर लिया है लोन पेयर ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है या हम बोल सकते हैं वो लोन पेयर रही नहीं हमारे पास ओके तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यही हमारे पास क्या है बैक बॉन्डिंग ओके ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ने क्या किया अभी बैक बॉन्डिंग किया तो बैक बॉन्डिंग एक्चुअली क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग थ्रू पाई बॉन्ड ठीक है या पाई बॉन्ड वाली मतलब पाई बॉन्ड वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओके सो दो एटम के बीच में ऑलरेडी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड तो बना हुआ है ठीक है सो एक्स्ट्रा जो बॉन्ड आता है वो कौन सा आता है पाई बॉन्ड आता है ओके सो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड ओके तो ये किस किस के बीच में होती है वो मैं अभी लिखवा देता हूँ पहले ये जो हमने लिखा है वो लिखा ठीक है तो SIS3 होल थाइस एंड में क्या हो रहा है बैक बॉन्डिंग हो रहा है वो क्यों हो रहा है क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और सिलिकॉन जो है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है सिलिकॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल क्यों है क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल सारे सारे खाली पड़े हैं 3D ऑर्बिटल जो है खाली पड़े ओके अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये तो सेकेंड वाले में भी हो सकता है सेकेंड वाले में भी तो सिलिकॉन है यस मैं बोल सकता हूँ कि हो सकता है लेकिन याद रखना जो लोन पीरियड डोनेट करेगा वो सेकेंड पीरियड एलिमेंट ही करेगा ठीक है जो लोन पेयर शेयर करेगा ना या डोनेट करेगा वो सेकेंड पीरियड एलिमेंट होना चाहिए बट फॉस्फोरस कौन सा है थर्ड पीरियड का एलिमेंट अब तुम बोलोगे फिर सर फर्स्ट में तो फर्स्ट पीरियड का ही है ना तो सॉरी सेकेंड पीरियड का है फर्स्ट एग्जाम्पल में तो सर सेकेंड पीरियड का ही एलिमेंट है लोन पेयर वाला तो वो डोनेट क्यों नहीं किया वो इसलिए नहीं किया क्योंकि कार्बन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं ओके तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर सकता था लेकिन वो तभी करता जब हमारे पास ये जो कार्बन है इसके पास क्या होता वेकेंट ऑर्बिटल होता बट कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसलिए डोनेट नहीं किया सेकेंड वाले में ये जो फॉस्फोरस है थर्ड पीरियड एलिमेंट है तो अपना लोन पेयर ये शेयर नहीं करेगा ठीक है दैट्स व्हाई एज इट इज रहा बट थर्ड वाले में नाइट्रोजन जो है सेकेंड पीरियड एलिमेंट है तो अपना लोन पेयर वो क्या कर सकता है शेयर कर सकता है और सिलिकॉन के साथ करेगा आराम से क्योंकि सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल ठीक है तो ये लिखो फिर हम बता देते हैं कि होता क्या है बैक बॉन्ड
देख लिया सबने? यस जी सर, ग्रुप पे सेंड करना, मैं आई विल चेक।
गया सबका ना। तो बैक बॉन्डिंग जो है वो क्या है, देखो तो इट इज आई बॉन्डिंग ठीक है, कौन सी है, पाई बॉन्डिंग है ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन सेकेंड पीरियड एलिमेंट सेकेंड पीरियड एलिमेंट जिसके पास क्या है लोन पेयर है ठीक है, तो पाई बॉन्डिंग ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन सेकेंड पीरियड एलिमेंट एंड एलिमेंट हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल ओके। सो बैक बॉन्डिंग जो है एक्चुअली क्या है, पाई बॉन्डिंग है हम बोल सकते हैं, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू आएगा ओके। एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनेगा, एक्स्ट्रा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा किसके बीच में बनना चाहिए, सेकंड पीरियड एलिमेंट के बीच में, या हम बोल सकते हैं कि लोन पेयर वाला जो एलिमेंट है वो सेकंड पीरियड का होना चाहिए। एंड इसके अलावा वैकेंट ऑर्बिटल वाला एलिमेंट कोई भी हो सकता है ठीक है। अब इसका और एग्जांपल अगर हम देखें तो BF3 जो है वो उसमें भी बैक बॉन्डिंग होती है ठीक है, BF3 जो है उसमें भी एक्चुअली क्या है बैक बॉन्डिंग होगा। कैसे, फ्लोरीन जो है उसके पास क्या है वैकेंट ऑर्बिटल, सॉरी फ्लोरीन के पास लोन पेयर है ओके। फ्लोरीन जो है उसके पास क्या है लोन पेयर है, तो फ्लोरीन क्या कर सकता है अपना लोन पेयर जो है वो शेयर कर सकते हैं बोरोन के साथ, क्यों, क्योंकि बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, हम बोल सकते हैं बोरोन का वैकेंट ऑर्बिटल ओके। तो इस टाइप से यहां पर भी क्या होगी बैक बॉन्डिंग हो जाएगी ओके। सिमिलरली और एग्जांपल अगर हम लेंगे तो NCl3 जो है उसमें भी बैक बॉन्डिंग होता है ठीक है, क्लोरीन जो है उसके पास हमारे पास क्या है वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे, एंड नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर क्या कर सकते हैं इस टाइप से क्लोरीन के साथ शेयर कर सकते, क्लियर है क्या ओके। सो बैक बॉन्डिंग जो है ये कौन करता है जनरली, ये करता है नाइट्रोजन फ्लोरीन या ऑक्सीजन करेगा जनरली, बिकॉज इनके पास लोन पेयर होंगे सेकंड पीरियड में ओके। सेकंड पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट लोन पेयर रख सकता है, या तो ऑक्सीजन रखेगा या नाइट्रोजन रखेगा या फ्लोरीन रखेगा, कार्बन से पहले वाले एलिमेंट के पास तो लोन पेयर होगा ही नहीं ओके। तो बैक बॉन्डिंग कौन करेगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन करेगा ओके। तो हैविंग लोन पेयर ये हम बोल सकते हैं और ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन ठीक है। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फ्लोरीन में से कोई एक एलिमेंट है और वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, किसी ऐसे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहा है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, तब हमारे पास क्या हो सकता है बैक बॉन्डिंग हो सकता है ओके। सो वैकेंट ऑर्बिटल जैसे BF3 में क्या है बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है ओके, बोरोन के पास यहाँ पर P में ही वैकेंट ऑर्बिटल है। लेकिन अगर हम NCl3 का एग्जांपल लें, ये इससे पहले वाला एग्जांपल कौन सा, ये वाला ले, तो यहाँ पर सिलिकॉन के पास कौन सा ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है ठीक है। अच्छा ऑब्वियसली इस पाई बॉन्ड का नाम भी आ सकता है, जैसे पहले पाई बॉन्ड का हमने नाम बताया था, इस केस में वो पाई बॉन्ड कैसा होगा, लोन पेयर कहाँ पर है, लोन पेयर पी ऑर्बिटल में, और जो SI का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा वो कौन सा होगा, डी ऑर्बिटल ना, तो ये वाला बैक बॉन्ड जो है कौन सा हुआ, ये वाला बैक बॉन्डिंग वाला कौन सा हुआ, दिस इज
पी पाए डी पाए, ओके ये वाला बैक पॉइंट कौन सा हुआ, पी पाए डी पाए, ओके क्योंकि सिलिकॉन का डी ऑर्बिटल और नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल, ओके अच्छा बीएफ थ्री में कौन सा टाइप का पाई बॉन्ड है, BF3 में कौन से टाइप का पाई बॉन्ड है, बोरोन का पी ऑर्बिटल रहेगा और फ्लोरीन का भी पी ऑर्बिटल रहेगा, तो यहाँ पर पी पाई रहेगा, ठीक है इस केस में पाई बॉन्ड जो है वो कौन सा है पी पाई, NCl3 में कौन सा पाई बॉन्ड है, नाइट्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल और क्लोरीन का वेकेंट डी ऑर्बिटल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ओके सो NCl3 में कौन सा टाइप हुआ पी पाई डी पाई, ओके तो ये हमारे पास हो गया है बैक बॉन्ड, क्लियर है, यस नील हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया है लास्ट लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराया हमने, नो दिशा ऑक्सीजन बॉन्ड कुछ नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड है ऐसा कुछ ऑक्सीजन बॉन्ड टाइप का कुछ नहीं, ऐसा अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या डाउट्स वगैरह लेंगे इस वीक, सो उसमें तुम डिस्कस कर लेना हो, नो अर्शिल
हो गया सबका? यस सर, ऑब्वियसली नाइट्रोजन इज गिविंग टू इलेक्ट्रॉन टू सीएल ना, दैट्स व्हाई वी हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया ना भाई। नाइट्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, गिविंग मतलब यहाँ पर शेयरिंग, ठीक है, तो क्लोरीन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड आया वहां पर। ओके नाउ आगे चलते हैं। तो एक रूल है ड्रैगोज रूल, तो ड्रैगोज रूल जो है ये देखो, ये क्या बोलता है कि अगर हमारे पास सेंट्रल एटम जो है थर्ड पीरियड या उसके बाद वाले किसी पीरियड का है और सराउंडिंग एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 से कम है तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो जो प्योर ऑर्बिटल्स हैं वो ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके तो बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली फिर 90 डिग्री हो जाएगा। तो इफ सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम बाद में चलेंगे, इफ सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, थर्ड और हायर पीरियड, ठीक है, अगर हमारे पास सेंट्रल एटम थर्ड और हायर पीरियड से बिलोंग कर रहा है एंड सराउंडिंग एटम एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 2.5 देन hybridization does not take place and pure orbitals take part in hybridization, okay, in bonding, and pure orbitals take part in bonding. Pure orbitals जो है bonding में participate करेंगे, इसकी वजह से जो bond angle है वो हमारे पास approximately 90 degree होगा, ठीक है? So PS3, AsS3, SbS3, H2S, H2SC एंड H2T, इन सभी में अगर हम बॉन्ड एंगल देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री होता है, एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। जैसे PS3 में अगर हम देखें तो बॉन्ड एंगल जो है वो होता है 93.8 डिग्री, AsS3 में होता है 91.8 डिग्री, SbS3 में होता है 91.3 डिग्री, याद नहीं रखना बट तुम देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ऑब्वियसली डाउन द बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, उसका रीजन हो गया कि सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रॉन, याद है हमने H2S और H2O का कंपेयर कराया था, याद आया H2O एंड H2S का कंपेयर कराया था, तो H2O से कम आता था H2S का, तो इसलिए डाउन द रूप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से बॉन्ड एंगल तो कम होता जाएगा बट बॉन्ड एंगल यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री, ठीक है। तो H2S में अगर हम देखेंगे तो H2S में 92 डिग्री होता है, H2SC में 91 डिग्री होता है,
और एस टू टी में 89.5 डिग्री, ठीक है। सो बॉन्ड एंगल जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए, ठीक है। सो ड्रैगोज रूल जो है बेसिकली ये इन सब में बॉन्ड एंगल एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है, ओके। तो अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उसके बाद वाले पीरियड का है एंड जो सराउंडिंग एटम उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 2.5 से क्या है, कम, ओके, तो फिर हमारे पास यहाँ पर हम बोलेंगे कि प्योर ऑर्बिटल्स ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो प्योर ऑर्बिटल जैसे पीएससी में हम देखेंगे तो पीएससी में जो तीन बॉन्ड बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, फॉस्फोरस के पी ऑर्बिटल से बन रहे हैं। तो फॉस्फोरस के तीनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऐसे ही H2S में अगर तुम देखोगे तो H2S में सल्फर के दो पी ऑर्बिटल होंगे जिनकी वजह से बॉन्ड बने, तो दोनों पी ऑर्बिटल के बीच में 90 डिग्री है, ठीक है। सो जो बॉन्ड एंगल है वो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री होगा। यस दिशा, ऑब्वियसली तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स हमारे पास एलिमेंट है सेकंड पीरियड, सॉरी जो सेंट्रल एटम है वो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स कोई भी है और उसके साथ में जो बॉन्ड बना रहा है वो हाइड्रोजन बना रहा है, तो फिर बॉन्ड एंगल जो है अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो। इसलिए जितने भी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए उन सभी में क्या है, हाइड्रोजन ही अटैच है सेंट्रल एटम। क्लियर है सभी को? तो ये हमारे पास है ड्रैगोज रूल। सुमेर वो क्वेश्चन वगैरह हम अलग से डाउट लेक्चर, अभी नेक्स्ट बाकी जो लेक्चर है इस वीक में उसमें हम डाउट से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ग्रुप पे सेंड कर देना, मैं देख लूंगा क्या क्वेश्चन है। साथ क्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है ना, क्लोरीन जो है उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो अगर किसी के पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में, बताओ। ऑब्वियसली साथ इतने टाइम से हम क्या बता रहे हैं भाई, यहां पर लिखा क्या हमने, ये क्या लिखा हमने, पी पाई डी पाई लिखा है। पी पाई डी पाई क्यों लिखा था, क्योंकि नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल और क्लोरीन का डी ऑर्बिटल। लेक्चर ध्यान से नहीं सुन रहे हो क्या तुम, यहां पर भी हमने यही बताया था कि सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, बीच बीच में क्या खाना वाना खाने चले जाते हो क्या। सेकेंड लास्ट एंड लास्ट वाले एग्जाम्पल में क्या लिखा है, H2SE and H2T बॉन्ड एंगल आर 91 डिग्री एंड 89.5 डिग्री, 91 डिग्री एंड 89.5 डिग्री।
सर स्टिल ऑब्वियसली ये जो एंगल आया एक्सपेरिमेंटली आया, ये जो एंगल्स थे एक्सपेरिमेंटली थे। हर्षिल बताया ना, ये रूल जो है जनरली वो बॉन्ड एंगल के लिए यूज होता है। इनके जो बॉन्ड देखो सभी में अगर हम बात करते तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इनमें सभी में। तो जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री होता है, उससे थोड़ा बहुत कम आता, मान लो 100 तक आ जाता, पर देखा गया कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री। ठीक है, तो वो जो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ड्रैगो टूल है। ये बोलता है कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं, प्योर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। हो गया सबका? तो जो डी वाले साइड पे याद अभी भी क्रैक हो रहा है? क्लियर है? क्लियर है?
अभी भी क्रैक हो रहा है? अभी क्रैक हो रहा है क्या? क्लियर है अभी? ओके ठीक है। तो हम ये बता रहे थे कि यार हमने तुम्हें sp3d हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे क्या बताया था। sp3d हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो ज्योमेट्री थी उसके टाइम पे क्या बताया था कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो एक्सेल पोजीशन पे रहेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहां पर रहेगा? एक्सेल पोजीशन पर, और लोन पेयर इक्वेटोरियल पे रहेगा। याद आया? तो इसके लिए एक रूल था एक्चुअली जिसे हम बोलते हैं बेंड्स रूल, उसको उसको यूज करके ये चीज आती है। ठीक है, सो बेंड्स रूल क्या बोलता है देखो, बेंड्स रूल बोलता है कि हमारे पास जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये एटम प्रेफर टू स्टे इन द ऑर्बिटल हैविंग लेस एस करेक्टर। जिस ऑर्बिटल में लेस एस करेक्टर होगा वहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा। इसके अलावा लोन पेयर जो है, वाइल द लोन पेयर प्रेफर्स टू स्टे इन ऑर्बिटल हैविंग हायर एस करेक्टर। ठीक है, ये था बेंड्स रूल। अब देखो हमारे पास जो है ना sp3d एक्चुअली दो टुकड़ों में है, ये है sp2 plus pd। ओके, तो sp2 plus pd, तो इसमें क्या है, जो इक्वेटोरियल वाला पार्ट है वो है ड्यू टू sp2। ओके, इक्वेटोरियल वाला जो पार्ट है वो है ड्यू टू sp2, एंड एक्सेल वाला जो पार्ट है वो है ड्यू टू p and d ऑर्बिटल। ओके, sp मतलब हमारे पास जो याद है क्या था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आता था ना, ठीक है, तो sp2 की वजह से प्लेनर, इसके अलावा pd की वजह से वो एक्सेल वाला पार्ट हो गया, दैट्स व्हाई वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आ रहा है। तो इसमें हमारे पास जैसे PCl5 की हम बात करें, ये PCl5 नहीं, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CLF3। ठीक है, CLF3 की हमने अगर बात की, तो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर कहां पर आया है? इक्वेटोरियल पे आया। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल में हमारे पास क्या है, sp2 है। ओके, इक्वेटोरियल में क्या है, sp2 है, और फ्लोरीन कहां पर गया, एक्सेल पे गया, क्योंकि एक्सेल में हमारे पास pd वाला आ रहा है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल वाले पार्ट में परसेंटेज एस करेक्टर पता है क्या है, इक्वेटोरियल में हमारे पास परसेंटेज एस करेक्टर है sp2 है ना। ओके, इक्वेटोरियल वाला पार्ट क्या है, sp2 वाला है, वहां पर परसेंटेज एस करेक्टर क्या आता है sp2 में, 33.33 आता है ना,
एसपी टू में परसेंटेज एस करेक्टर क्या 33.33। इसके अलावा पीडी जो है इस वाले पार्ट में परसेंटेज एस करेक्टर जीरो, क्योंकि यहाँ पर प्योर पी एंड प्योर डी ऑर्बिटल है, यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर क्या है जीरो है। ठीक है, सो जो एक्सेल वाला पार्ट है इसमें परसेंटेज एस करेक्टर जीरो, एंड जो इक्वेटोरियल वाला पार्ट है इसमें परसेंटेज एस करेक्टर 33.3। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहां पर रहेगा, वो ऐसे ऑर्बिटल में रहेगा जहां पर कि लेस एस करेक्टर हो। तो लेस एस करेक्टर कहां पर है यार, लेस एस करेक्टर है यहां पर एक्सेल वाले पार्ट। ठीक है, दैट्स व्हाई फ्लोरीन कहां पर गया, एक्सेल पर गया। और मोर एस करेक्टर कहां पर है, ऑब्वियसली प्लेनर वाले पार्ट में, हम बोल सकते हैं एसपी टू वाले पार्ट में, कितना है 33.3 है, तो लोन पेयर वहां पर गया। ठीक है, तो जो हम बताते थे ना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को एक्सेल पर भेज दो और लोन पेयर को इक्वेटोरियल पर भेज दो, तो उसके पीछे रीजन जो था वो क्या था, बेंट स्टूल। ओके, उसके पीछे जो रीजन होता है वो होता है बेंट। ओके, यही एक रीजन जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है एक्सेल वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वेटोरियल वाली बॉन्ड लेंथ से डिफरेंट होती है। ओके, अगर हम यहाँ पर ये सीएलएफ बॉन्ड की बात करेंगे तो ये सीएलएफ बॉन्ड जो है ये वाले सीएलएफ बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से डिफरेंट रहेगी। जो एक्सेल वाली बॉन्ड लेंथ है वो इक्वेटोरियल वाले से ज्यादा हो। क्योंकि एक्सेल में क्या आ रहा है हमारे पास, पी एंड डी ऑर्बिटल आ रहा है जो कि लंबे लंबे ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और इक्वेटोरियल में एसपी टू आ रहा है, तो वहां पर एस करेक्टर वगैरह आ रहा है जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ उतना नहीं आएगा। तो ये हमारे पास हो गया है कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट या कुछ एडवांस वाला पार्ट। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। बाकी जो लेक्चर्स हैं हमारे इस वीक उसमें हम डाउट डिस्कस करेंगे, तो तुम बुकलेट कंप्लीट करो सब लोग। ओके, सब लोग बुकलेट कंप्लीट कर लो, मैं वैसे ग्रुप पे सेंड कर दूंगा लिंक, वैसे सेंड किया है मैंने ऑलरेडी बुकलेट सॉल्यूशन का, बट स्टिल हम डाउट डिस्कस भी कर लेंगे बाकी लेक्चर्स में। ओके, सो कोई बात नहीं है, कुछ भी डाउट हो, किसी भी चैप्टर का डाउट हो विल टेक। ठीक है, बुकलेट कंप्लीट करो और किसी भी चैप्टर के डाउट है तो हम वो कर ले। तो लेक्चर एंड करते हैं।